बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में दनकौर रोड पर स्थित स्प्रिंग डेल स्कूल के सामने पड़ती है शिवनगर कॉलोनी, जो कि शुरुआत में तो बनी हुई है ठीक ठाक, लेकिन बाद में हाल है बेहाल। सिर्फ दो दिन की बरसात में कॉलोनी का मुख्य रास्ता हो गया जलभराव से बंद, तो बरसात के मौसम में क्या आलम रहता होगा। इस कोरोना काल में कीचड़ जलभराव के कारण स्थानीय निवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। मच्छरों के साथ साथ अनेक कीड़े मकोड़े भी यहां बना रहे हैं घर, जिससे हर समय बीमारी फैलने का बना रहता है डर। यहां के दर्जनों लोगों ने स्थानीय सभासद प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ दिलाने हेतु किया प्रदर्शन। दूसरी तरफ स्थानीय सभासद नगरपालिका ईओ का कहना है, प्रशासन को कराया जा चुका है अवगत, बजट आते ही कार्य कर दिया जाएगा शुरू। तो कब तक नारकीय जीवन जीने को विवश होंगे ये शिवनगर कॉलोनी के निवासी? कब स्वीकृत होगा बजट? कब मिलेगी इन्हें गंदगी और जलभराव से निजात? ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हुए हैं मोहल्ला शिवनगर कॉलोनी में, जो कि दनकौर रोड पर पड़ती है। यहाँ की जो हालत है बहुत ही दयनीय है और लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हालत में हैं। बरसात का पानी यहाँ पर भर जाता है और इतना ज्यादा कि लोग बाग उस पानी में से निकलने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े और इस महामारी के दौर में बीमारी होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इस समय यहाँ के काफी संख्या में लोग हमारे पास है, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। आइए, मैं आपको शुभ नाम लेना चाहूँ। तो क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, यही झेल रहे हैं। आंधी तूफान सांप दुनिया भर के जानवर निकलते, पानी नहीं निकला जाता। आप हाफ टैक्स देते हैं? जी, ये हमारे पास रसीद हाफ टैक्स की। आपका शुभ नाम क्या है? संजीव शर्मा। तो क्या समस्या है? सर, सड़क को पानी की समस्या हमारे यहाँ, पानी निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे निकलने बैठे में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे परेशान निकलने को, स्कूल जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पर कोई महिला भी उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैडम, परेशानी क्या है यहाँ पर आपको बताएं? सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर रास्ते नहीं है, जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है कोरोना के दौर में, और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मेंबर से कई बार शिकायत करी, आप बताएंगे? सर, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चे गिर जाते हैं, पानी बहुत ज्यादा होता है बरसात के मौसम में, और कीड़े वीड़े भी बहुत निकलते हैं, डर बहुत ज्यादा, बच्चे लोग सब डर जाते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत होती है निकलने में भी। मैम, आपको मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने यहाँ के सभासद जमीन से शिकायत करी है? क्या की है? लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे एक मिनट के, यहाँ पर कुछ पैसा यहाँ के कार्यकाल के लिए काम करने के लिए आया था या नहीं? सर, हम नगर पालिका गए थे, नगर पालिका से हमें जी साहब ने बताया कि यहाँ के लिए 12 करोड़ रुपए आए थे। तो वो 12 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो 12 करोड़ का सुनने में आया था कि बराबर में प्राइवेट कॉलोनी है, उसमें वो पैसा लगाया हुआ। कौन सी कॉलोनी है? राधा कृष्ण कुंज। राधा कुंज जी। तो वहाँ पर लगा दिए, प्राइवेट कॉलोनी में लगा दिए? जी सर, इसमें इन लोगों ने अपनी जेबें भरी है, और हमारी कॉलोनी में कोई रोड जेल में नहीं है। तो नगर पालिका में ये लोग आपकी सुनवाई करने पर क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर पालिका वाले कहते हैं हमारे पास कोई भी खबर आई नहीं अभी तक, तुम्हारी कॉलोनी की कोई प्रस्ताव भी नहीं आया, हम कैसा काम करें? जैसा कि देखने में आ रहा है कि नगर पालिका में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपया इस जगह को मिला था, लेकिन वो साथ में लगी हुई जो भूमि है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके में लगा दिया गया। और इस बात की जानकारी तो हम जाकर के नगर पालिका से लेंगे। उसके साथ ही यहाँ के जो सभासद हैं
वो भी जबकि दो बार से यहाँ पर सभासद बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं करवा पा रही हैं, और उन्हीं से बात करेंगे, जानकारी लेंगे। तो हम शिवनगर कॉलोनी के जो सभासद हैं उनके पास आए हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। आप यहाँ सभासद हैं? जी। तो ये लोग आपके सामने से, ये जब किस मोहल्ले में ये एरिया है, काफी पार्क बना हुआ है, कितना बना हुआ है, और इन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो जल वगैरह की निकासी है वहाँ नहीं हो पाती है, सब पीछा गंदगी लगातार रहती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि ये कॉलोनी हमारी पहली बार है चेयरमैनी में आई हुई है, ये पहले काफी दिन हमें प्रधानी में रही है देहात में, लेकिन पहली बार चेयरमैनी में आई है, सारा काम तो एक संग साथ हो ही ना जाएगा, लेकिन हमारे सब प्रस्ताव रखे हुए हैं। अब सभी काम तुम्हें पता है कि दो साल तक कोरोना चल रहा, कोरोना के समय हमारे यहाँ कोई काम हो पाए ना है और हो भी रहे हैं, ये बात ना है कि चेयरमैन साहब ना करा रहे हों या हम ना करा रहे हों, लेकिन काम सब हो रहे हैं, तब धीरे धीरे ही हो पाएंगे। वो जो पहली पल्ली जो कॉलोनी है जहाँ ये आप बता रहे हैं, उन्होंने डीलर साहब ने वो तो काट दी कॉलोनी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखी कि कहाँ पानी जाएगा, कहाँ होगा, ये लोग जाएंगे और इनमें कितना भराव होगा, चेयरमैन साहब या जो मेंबर कितना आप सबके साथ उनके सबके सामने है, यही चीज तो धरे जाएंगे, लेकिन वो करेंगे, धीरे धीरे ही हो पाएगा। सर हमने प्रस्ताव रख दिया, जाकर जाकर और तुम्हें किसी को विश्वास ना हो, और ये लोग नगर पालिका तलक भी देख आए हैं जाकर, ने मेरे हिसाब से बात भी कर आए हैं। जानना चाहूंगा कुछ लोगों का कहना ये है कि शासन प्रशासन जो द्वारा 12 करोड़ रूपया इस क्षेत्र के लिए आया था, जो को प्राइवेट कॉलोनी में लगा दिया, क्या ये बात करते हैं? जी सर हमें मालूम ना है इस चीज की कि ये चीज तो है का ऊपर वाले ही बताएंगे, इस चीज की तो हमें भी मालूम ना है, ये जो कुछ यहाँ काम हो चुके हैं, बालिका स्कूल है वहाँ से सारा काम हुआ, ये पूरी हाज कैसे हुई है, और वो एक हमारे प्रस्ताव में रखी हुई है। अब एक तो ये भी आपको मालूम है कि दो साल से कोरोना के चक्कर में कोई महामारी चले, कोई भी काम ना हो पा रहे, नहीं भी जैसा कि यहाँ के सभासद जो है उन्होंने बताया कि कोरोना के वजह से दो वर्ष का काम रुके हुए हैं, बाकी जो प्रशासन द्वारा पैसे आने वाली बात है उसकी तो जानकारी नगर पालिका में जाने का बाद ही मिल पाएगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन मोहन गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, गैम न्यूज सिकंदराबाद।